सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल उत्ते स्वागत है। अज असी जिस गदरी योधे दे जीवन बारे जानन जा रहे हाँ, उहना दा नाम गदरी भाई मुनशा सिंह दुही है। इहना दा जन्म 1 जुलाई 1890 ईस्वी नूं जिला जलंधर दे मशहूर पिंड जंडियाला मंजगी विखे होया। भाई मुनशा सिंह दुखी काफ़ी पढ़े लिखे सन। इन्हों पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, ब्रिज भाषा, बंगाली, चीनी और जापानी भाषावां दा ज्ञान सी। चढ़ती वरे सी इन्हां दी सोच इनकलाबी होनी शुरू हो गई। 1905 विच अपने वड्डे भरावां कोल कलकत्ते रहिंदिआं इन्हां ने इटली, फ्रांस और रूस के देश भगतां बारे पढ़िया। उत्थे बंगाल दीआं जत्थेबंदियां ने इन्हां नूं बहुत प्रभावित किया। यह भी इनकलाबी पार्टी के मैंबर बन गए। 14 मई 1908 नूं लाइसंग नां दा जहाज़ फड़ के यह पिनांग हुंदे हुए हांगकांग पहुँचे। उत्थे इन्हां ने शंघाई तो जहाज़ फड़ के योकोयामा हुंदे हुए यह होनोलुलु पहुँचे। इत्थे इन्हां ने गन्ने अते अनानासां दे खेतां विच काम किया। इत्थे इन्हां दी नेड़ता गुजराती इनकलाबी हुसैन रहीम नाल हुई। फिर हुसैन रहीम दे कहण उत्ते भाई मुनशा सिंह 1 जनवरी 1890 नूं अमरीका दे शहर सान फ्रांसिस्को चले गए। इत्थे इन्हां ने पछमी तट ते रहिंदिआं हिंदुस्तानी आवासी कामिआं विच राजनीतिक जागरूकता पैदा करन दे यतन कीते। उस तों बाद 3 जनवरी 1912 विच भाई मुनशा सिंह दुखी वैनकूवर आ गए। इत्थे वैनकूवर विच दरवाजे अते खिड़कियां बनाउण वाली फैक्टरी विच काम करन लगे। इत्थे वैनकूवर विच उत्तरी अमरीका दा पहला गुरद्वारा 1908 विच बन चुका सी। विक्टोरिया अते एप्सटफोर्ड दे गुरद्वारे उसारी अधीन सन। इन्हां गुरद्वारे दीआं बेसमेंटां विच हर वीकेंड ते देश भगत धड़े दीआं मीटिंगां हुंदियां, जिथे यह धार्मिक विषय नूं घुमा के हिंदुस्तान दी आजादी लई होण वाले हथियारबंद संघर्ष नूं सिख इतिहास चों अजिहियां घटनावां दा जिक्र करके बागियाना तकरीरां करदे, जिन्हां दा इह सुनेहा हुंदा सी कि जुल्म नाल लड़ना ही असल सिखी है। कैनेडा अमेरिका दे हिंदुस्तानियों ने मिल के 1 अप्रैल 1913 विच गदर पार्टी बनाई। भाई मुनशा सिंह इस दे मैंबर बन गए ते गदर पार्टी 1913 विच गदर नां दा साप्ताहिक अखबार कढ़ना शुरू कीता। मुनशा सिंह जी हर हफ्ते इस अखबार विच छपण लई इनकलाबी कविता लिख के भेजदे। गदर अखबार विच छपियां कवितावां दा वड्डा हिस्सा भाई मुनशा सिंह दुखी दा हुंदा सी। भाई मुनशा सिंह दी सोच इह सी कि मिन्नतां तरलियां जां अर्जियां नाल कुछ नहीं सवरना। उन्हां नूं पता सी कि हिंदुस्तानियां दी दुखां तकलीफां दा असल कारण गुलामी है। गुलामी तो छुटकारा पाउणा अर्थात आजादी प्राप्त करना है, ते आजादी प्राप्त करन दा इक्को इक राह है, ते ओह राह है हथियारबंद इनकलाब दा राह। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਕੁਟਿਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਈ 1914 ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼ੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਭਾਈ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਵਾਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। 4 ਅਗਸਤ 1914 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਦਰ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਵੀ 6 ਅਗਸਤ 1914 ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਆਪ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ 14 ਸਤੰਬਰ 1914 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਪਾਗਲਪੁਣੇ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 1914 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 19 ਬੇਦੋਸ਼ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਜਬਜ ਘਾਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਚੁਕੰਨੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਸੀ।
पुलिस ने इन्हों गिरफ़्तार करने 2 अक्टूबर 1914 रात 3 बजे कंचरापाड़ा विखे छापा मारिया, पर मुंशा सिंह पहलां ही पुलिस को जख्मा दे के जंडियाले पहुँच गए। उधर उन्हां दे घर पहलां ही पुलिस इन्हां दी उड़ीक कर रही सी, पर यह घर ना गए बाहरों ही भगौड़े हो गए अते पिंडां विच जा के गदर पार्टी का प्रचार करन लगे। अखीर 1 जनवरी 1915 इन्हां नूं जंडियाले पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। इन्हां नूं पुट्ठी हथकड़ी ला के नूर महल थाने रात विच रख्या गया अते फिर अगले दिन जलंधर दे पुलिस कप्तान अगे पेश किया गया। फिर जलंधरों इन्हां नूं पुट्ठी हथकड़ी ला के पैरां विच बेड़ियां पा के मुल्तान सेंट्रल जेल ले जाया गया। उत्थे हनेरी कोठड़ी विच कैद कर दिता गया। इन्हां दी कोठड़ी दा दरवाजा हमेशा बंद रहिंदा सी। इन्हां नूं किसे नाल भी गल करन दी इजाजत नहीं सी। आस पास दीआं कोठड़ियां भी खाली सन। कुप हनेरे विच रहण कारण भाई मुंशा सिंह दीआं अखां दीआं पुतलियां पूरा कम करनों रह गईआं सन। इन्हां नूं 22 महीने लम्मा समा बिना मुकदमा चलाए जेल विच कैद रख्या गया। 26 अक्टूबर 1916 गद्दार बेला सिंह जैन ने जेल परेड दौरान इन्हां दी शनाख्त कीती। फिर इन्हां नूं लाहौर चला के इन्हां ते सैकेंड सप्लीमेंटरी केस ऑफ लाहौर विच शामिल कीता गया। यह मुकदमा 18 गदरियां उत्ते चलाया गया, जिन्हां विचों 9 गदरी कैनेडा दे सन। गद्दार बेला सिंह जैन अते मंगल सिंह जैन ने इनाम दे लालच विच आप विरुद्ध गवाहियां दित्तियां, जिस करके इन्हां नूं इंडियन पीनल कोड की धारा 121 अते 121A दे अधीन उम्र कैद अते घर घाट जब्ती की सज़ा सुनाई गई। भाई मुंशा सिंह नूं मुल्तान, लाहौर, जेलम, अटक अते कैंबलपुर जेलां विच रखण तों बाद जनवरी 1918 विच बिहार दी हज़ारीबाग जेल विच भेज दिता गया। फरवरी 1918 विच 18 गदरी जेल तोड़ के भज निकले, जिन्हां विचों कुछ गिरफ़्तार हो गए। ये पासे दीआं कोठड़ियां विच बंद होण कारण भाई मुंशा सिंह भज ना सके। भाई मुंशा सिंह ने इस जेल दीआं सारीआं सख्तियां बड़ी बहादुरी नाल चलीआं। मार्च 1920 विच इन्हां नूं रिहा कर दिता गया। भाई मुंशा सिंह 1924 विच बंगाल दी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे 8 महीने सहायक सकत्तर रहे। 1926 विच बंगाल तो लाहौर चले गए। फिर अप्रैल 1927 विच मुंशा सिंह ने कवि नाँ दा मासक रसाला कढ़िया। कवि दे विशेष अंक ने साहित्यक हलके विच धूमां मचा दित्तियां। 1928 विच साप्ताहिक सिंडीकेट नाँ दा एक होर रसाला कढ़िया गया। भाई मुंशा सिंह हमेशा बागियाना सिरलेखां वालियां कवितावां लिखदे। 1929 विच समाजवादी विचारधारा वाला साप्ताहिक रसाला सांझीवाल कढ़िया गया। भाई मुंशा सिंह दुखी दे सिरलेख इस प्रकार हुंदे सन, जुग जुग जीवे गदरी, नौजवान ते सरकार, तख्ता उलट जावेगा, नौकरशाही संभले आदि। मुंशा सिंह कलकत्ते 1931 विच भाषण दिंदिया कहा कि गुलामी दे संगल तोड़न लई संघर्ष करना ही असल सिखी है। जदों तक देश आजाद नहीं हो गया आप संघर्ष करते रहे ते अपनी कलम नाल नौजवानों नूं आजादी दे संघर्ष विच हिस्सा पाउण लई प्रेरदे रहे। भाई मुंशा सिंह अपनी कलम नाल सेवा भी निभाउंदे रहे। वह बंदा सिंह बहादुर वल्लों वड्डे जगीरदारां तों जमीना खो के वंडण वाली घटना की बड़ी प्रशंसा करिया करदे। प्रेम सिंह बजाज नू 1965 विच दित्ते एक इंटरव्यू विच आख्या गया कि मैं मार्क्सवादी सिद्धांत नू लोक हितां लई चंगा मनदा हाँ। भाई मुंशा सिंह चाहुंदे सन कि गदरियां दे सुपने वाला वितकरियां रहित जात पात रहित जिथे मनुख दी मनुख हथों लुट खसुट ना हुंदी होवे बराबरी वाला धर्म निरलैपता वाला एक राष्ट्र होवे। भाई मुंशा सिंह 1969 दीआं सर्दियां विच कुछ समां इंग्लैंड रहे अते फिर अधरंग दी बीमारी हो जाण कारण वापस इंडिया आ गए। भाई मुंशा सिंह अंग्रेजी साम्राज नाल मत्था लाउण वाले, खून गरमाउंदियां इनकलाबी कवितावां लिखण वाले, हिंदुस्तानी दी जंगे आजादी दा निधड़क सिपाही, इनकलाबी कवि भाई मुंशा सिंह दुखी अखां विच खुशहाल भारत अते संसार अमन दे सुपने समोई 26 जनवरी 1971 दे दिन फगवाड़े अपनी धी मनराज कौर दे घर लोगों सदीवी विछोड़ा दे गए। भाई मुंशा सिंह दुखी दी हिंदुस्तानी गदरिया दे सुपनों वाला सांझीवालता ते बराबरता दर्शाउंदी एक कविता इस प्रकार लिखी सी, ना किसी का कोई हक दबाएगा, ना किसी का कोई माल चुराएगा, वितकरा छोटा बड़ा मिट जाएगा, आएगा ऐसा जमाना आएगा, रज के जद हर कोई रोटी खाएगा,
साफ सुथरा रहन साफ हंडाएगा, फर्क धनी गरीब दा मिट जाएगा, ऐसा जमाना आएगा ऐसा जमाना आएगा। ये अणखी योधा गदरी सूरमा हमेशा ही अपने लोगों के दुखों नूं महसूस करके अपनी कलम नाल दुश्मन विरुद्ध लड़न लई प्रेरदा सी। पंजाब दी धरती दे इस महान अणखी सूरमे नूं कोट कोट प्रणाम।